हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन ज़्यादा टेक। तो गाइज, आप लोग इस वीडियो में जानोगे कैसे जो एड्स आता है, प्रचार आता है, वो कैसे मोबाइल वाला वो कैसे हटाएं। तो इस वीडियो में आप लोग जानोगे कैसे उसको हटाया जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो किस तरह से प्रचार आता है, आप लोग देख लिए होंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको उसको हटाने के लिए आपको क्रोम पर जाना पड़ेगा। पहले क्रोम पर जाने के बाद, गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना पड़ेगा। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेट सेटिंग होगा, साइट सेटिंग। तो उस पर जाने के बाद थर्ड पार्टी कुकीज देखोगे या फिर से आगे देख लो गाइस। इस तरह से होता है, एड्स आते रहता है, यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जब कोई भी वीडियो चलेगा तो ये प्रचार आता है। तो इसको कैसे हटाएं इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो देखो इसको डायरेक्ट हटा देते हैं यहाँ से, ठीक रहेगा। तो आप लोग यहाँ सेटिंग पे जाओ। सेटिंग पे जाने के बाद आप लोग देखो कोई ऐप तो डाउनलोड नहीं ना, क्योंकि ऐप से ही ये आता है। तो आप सेटिंग जाने के बाद ऐप डायरेक्ट खोलोगे। ऐप ऑप्शन पर जाने के बाद आप डायरेक्ट उस ऐप को डिलीट कर देना। देखो यहाँ पे सबसे शुरू में है, बिना खाली वाला ऐप है ये, तो इसको अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल कर दोगे तो अब एड्स नहीं आएगा गाइस। तो आप लोग देख लियो किस तरह से एड्स को हटाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कुछ मिनट आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो एड्स नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक मिनट। यहाँ 50 हो रहा है क्योंकि 30 सेकंड पे एड्स आते रहता है। तो आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एड्स आता है कि नहीं, आप लोग देख लो। मैं पूरा कंफर्म हूँ कि ऐप को डिलीट कर दोगे तो आपका एड्स नहीं आएगा। और दूसरा तरीका है, आप क्रोम पे जाने के बाद, ये तो मैं नहीं किया हूँ क्योंकि इसको भी आप लोग कर सकते हो। इसको साइट सेटिंग पे जाने के बाद आप लोग यहाँ थर्ड कुकीज़ पे जाओगे, यहाँ ब्लॉक थर्ड कुकीज़, इसको करोगे। देखो सर, देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आप लोग एड्स प्रचार ये सब नहीं आ रहा है, 51 मिनट हो गया। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।